तो आज Day-3 है या Day-4 है भाई, मुझे पता ही नहीं लग रहा। Day-4 है ना मेरे ख्याल से। हाँ आज Day-4 है। तो आज हम जाएंगे हिमालय बर्ड पार्क देखने के लिए थोड़ा। तो चलिए आज चलते हैं हमारे साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक का नियम का पालन हो रहा है यहाँ पे। एक एक गाड़ियाँ कर रही है पूरा पालन। दिल्ली में ऐसा हो नहीं सकता। ये शिमला है भाई, यहाँ शिमला है पूरा आराम से पालन चलता है। पब्लिक के लिए स्पेशल ये बनाई हुई है रेलिंग, पब्लिक के चलने के लिए खास साइड में ये बना रखी है कि साइड में बंदा चले, रोड पे ना चले, पूरा सेफ चले। मोरल ऑफ द व्यू ये है, तो मोरल ऑफ द व्यू ये है कि दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए भाई। यार मेरे फोन में बैटरी नहीं है इधर, तो मैं इस दिन वीडियो बना नहीं सकता। अभी मेन जो पॉइंट्स आपको वो दिखा रहा हूँ मैं, बाद में घर जा क्या नाम है होटल रूम पे जाके सारे समझा दूंगा भाई कैसे कैसे जाना होता है। We'll be right back.
टाइम पे हम हैं हिमालय बर्ड पार्क में। तो ये पार्क मतलब बहुत अच्छा है, यहाँ पे अगर आप शिमला की तरफ घूमने के लिए आए तो आप ये लोग यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बर्ड्स पिंजरे के अंदर है, आप साफ साफ देख सकते हो वीडियो के अंदर कि ये साफ खुले घूम रहे हैं, और हर बर्ड के बारे में एक एक स्टॉप पे सब लिखा पड़ा है, मतलब सब अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पार्क बहुत अच्छा है, ये बर्ड पार्क है। फीस इसकी सिर्फ 20 रुपये है, बस 20 रुपये है एडल्ट की, चिल्ड्रंस की 10 है। और अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे, आज 29 दिसंबर के टाइम पे, तो 65 साल से ऊपर के बंदा 10 साल से नीचे के बच्चे नहीं आ सकते भाई, उसी वजह से साफ साफ ही है। बाकी जिसको बर्ड्स काफ़ी शौक है तो वो बंदा यहाँ पे आ सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे बर्ड्स आपके खुले घूम रहे हैं, खेल लो, घूम लो, फोटो वोटो खींच लो, तो बस। और क्या, यहाँ पे आना बहुत इजी है, आप ओल्ड जैसे शिमला के बस स्टॉप पे आते हैं तो ओल्ड बस स्टॉप से ये 2.5 किलोमीटर है, और वॉक करके भी आ सकते हो, बस कोई कैब स्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। कैब वाला आपसे 600 बोलेगा और काफ़ी आपको लंबा राउंड लेके जाएगा, आप पैदल भी आ सकते हो। तो बस फिर चलते हैं दूसरी जगह देखते हैं। और इसका टाइम है सुबह 10 बजे लेकर शाम के 5 बजे तक, 5 बजे तक पार्क बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं है भाई, उससे पहले आके आप घूम लो। और छोटा सा प्यारा सा पार्क है, बहुत अच्छा है। तो बस आज का तो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का इतना था, सत श्री अकाल। Oh,
चैडविक फॉल का जाना था, रास्ते तो बड़े खतरनाक है यार, पैदल वाले बंदे की तो हालत खराब हो जाए चलने में यार, नीचे उतरने में आने में बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। आराम आराम से उतरना भाई, आप अगर आप लोग यहाँ पे झरने देखने आओ नीचे तो बहुत आराम से रुकना। ये देखो चैटविक फॉल्स पे आ चुके हैं भाई। बस चैटविक फॉल्स यही है, ये झरना है और इसका रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। अब नीचे आए हैं तो चलो 5-10 मिनट यार थोड़ा बैठ जाते हैं थोड़े शांति से, फिर चलेंगे ऊपर। झरना भी हो गया, अब चलते हैं, अब आपसे होटल में जाके बातें होती है। तो आज का वीडियो अब जनरली इधर ही समाप्त करें। चलिए